हेलो फ्रेंड्स, मैं चना मिश्रा सिंपल एंड स्वादिष्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए आलू लोबिया बीन्स की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, ये सब्जी आप एक बार बना के खाइएगा ज़रूर, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी सी मज़ेदार सब्जी को बनाना। ये मैंने 250 ग्राम लोबिया बीन्स लिया है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। और ये मैंने 3 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं, इनको हम मैंने लंबे साइज़ में काट लिया था। और ये 2 मैंने प्याज लिए हैं, प्याज को भी मैंने काट लिया है। और ये दिखाती हूँ मैं आपको लोबिया बीन्स कैसी होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होती है, इसको हम इस तरीके से ऊपर से तोड़ देंगे, तो इसको भी हम इसी तरीके से ऊपर से तोड़ देंगे। तो देखिए इसमें रेसा निकल रहा है, जो टाइट लोबिया होती है उसमें रेसा होता है, जो मुलायम लोबिया होती है उसमें रेसा नहीं होता। तो रेसा अगर निकले तो उसको आप निकाल दीजिएगा, नहीं तो वो खाने में मुँह में आएंगे तो टेस्टी नहीं लगेगी सब्ज़ी। और इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे, आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी काट सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बिना आलू के भी बना सकते हैं। तो ये मैंने लोबिया बीन्स काट लिया है। अब मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। और सरसों के तेल की जगह आप कोई और तेल यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये 3 मैंने लहसुन को क्रश कर लिया था, उसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। और 1 चम्मच जीरा को डाल दूँगी। तो जीरा और लहसुन को हम भून लेंगे, तो ये जब तक हल्का गुलाबी नहीं हो जाएगा तब तक हमें इसको भूनना है। तो देखिए लहसुन और जीरा भी भुन गया। अब इसी में 2 चुटकी हम हींग डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और ये मैंने जो आलू काट के रखे थे उसको इसी में डाल देंगे। और आलू को हम लगभग 1 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए इनको हम भून लेंगे। तो देखिए आलू भी हमारे भुन गए हैं, लगभग 1 मिनट लगा है इनको भूनने में। अब ये लोबिया बीन्स जो मैंने काट के रखी थी उसको भी इसी में डाल देंगे, और आलूओं के साथ इसको भी हम चलाते हुए लगभग 1 मिनट इसको भी हम भून लेंगे। और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक डालने के बाद फिर से हम इसको एक बार चला लेंगे, जिससे कि नमक सब्जी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी में हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसकी सूखी सब्जी बना रहे हैं। अब इसको हम ढक कर के लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, जब तक हमें सब्ज़ी पक ना जाए। और इसको बीच बीच में खोल खोल कर हम 1-2 बार चला लेंगे, नहीं तो सब्ज़ी नीचे से जल जाएगी। अगर आपकी सब्ज़ी नीचे से जल रही हो तो इसमें 2-3 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं। अब इसको हम फिर से ढक देंगे और इसको हम पकाएंगे। तो हम इसको खोल के देखते हैं सब्ज़ी हमारी पकी है या नहीं पकी है। तो हम इसको एक बार चला लेते हैं। तो देखिए लोबिया बीन्स भी पक गई है। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं, आलू पके कि नहीं पके। तो आलू भी अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें हम अमचूर पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें सब्जी मसाला पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद लगभग इसको 1 मिनट तक हम इसी तरीके से सब्जी के साथ भून लेंगे, जिससे कि सारे मसाले अच्छी तरीके से भुन जाए। और हम गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे। अब ये सब्जी बनके रेडी हो गई है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन अवश्य दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी रेसिपी डालूंगी वो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। तो इसको आप इंजॉय कीजिए और मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।